अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन तथा सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा, जय बाबा, जय बाबा। गॉड हेल्प अस ऑल to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Dhaman till the very end. Avtaar Meher Baba ki jai, Avtaar Meher Baba ki jai, Avtaar Meher Baba ki jai. Sabhi ko prem purvak jai Baba, jai Baba tai, jai Baba. द पाथ ऑफ लव, ये सुंदर किताब हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। आज उसमें एक नया चैप्टर हम देखेंगे। एक संक्षेप में मैसेजेस सभी दिए हैं, काफ़ी सारे मैसेजेस दिए हैं, संक्षेप में दिए हैं, कहीं कहीं सारांशात्मक उसमें दिया है वो मैसेज का, पर बहुत अच्छा है ये किताब। तो आज हम देखेंगे द ऑरा एंड द हेलो, मतलब जिसे हम कहते ना, इसका आजकल बॉम्बे में वगैरह जगह हुई है बहुत टर्मिनोलॉजी यूज होती है, इसका और अच्छा है, उसका ये है, उसका खराब हो गया, क्या क्या बोलते रहते पता नहीं। तो ये इसके बारे में यहाँ बाबा ने स्वयं स्पष्टीकरण अच्छे से दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ नीलम जी रिकॉर्डिंग कर रही है, तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ नीलम जी की, कर दूँ? जी जी, रिकॉर्डिंग हो रही है, जय बाबा। थैंक यू, बस बस बस। तो इसमें जिसे हम आभा कहते हैं हिंदी में, और या आभा मंडल कहते हैं, और हेलो मतलब प्रभा मंडल, आभा और प्रभा ये नाम भी कभी सुने होंगे लड़की होंगे, तो आभा मंडल और प्रभा मंडल या तेजो मंडल, कि जो चेहरे के इर्द गिर्द जो रोशनी दिखती है, तेज दिखता है, इसके बारे में ये लेक्चर है। एन ऑरा एंड हेलो आर टू डिफरेंट थिंग्स एंड पीपल आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। ये बाबा स्वयं कह रहे हैं कि ये दोनों भिन्न चीजें हैं, आभा और प्रभा मंडल, ये दोनों अलग अलग है, लेकिन आमतौर पर उसको एक ही अर्थ से लिया जाता है, और उनमें क्या फर्क है ये फर्क लोगों को पता नहीं चलता है। फ्यू पीपल नो दैट एन ऑरा एंड हेलो आर क्वाइट डिफरेंट इन देयर रिस्पेक्टिव नेचर्स डिस्पाइट द क्लोज इंटरकनेक्शन। बहुत थोड़े लोग जानते हैं कि आभा और प्रभा मंडल में आपसी संबंध है, और इसमें इस दोनों का जो नेचर है उसके बावजूद उनमें आपस में जो घनिष्ठ अंतर संबंध है, इसके बावजूद वो दोनों प्रकृति में भिन्न भिन्न है, काफी भिन्न है, लेकिन ये बात बहुत बहुत कम लोग जानते हैं। लाइक देयर रिस्पेक्टिव शैडो, No man can ever possess both aura and halo completely developed at one and the same time. ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बाबा ने उजागर की है। ऐसी कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी व्यक्ति कभी भी आभा और प्रभा मंडल दोनों को एक ही समय पूरी तरह से विकसित नहीं कर सकता है। इसका दूसरे शब्दों में आभा मंडल और प्रभा मंडल दोनों एक साथ कभी भी नहीं होगा। उसका रीजन आगे बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से दिया है, मतलब उसका ऑरा भी है, उसका हेलो भी है, ये कभी नहीं होगा। या तो उसका ऑरा होगा या तो उसका हेलो होगा। ये क्या हो रहा है, ऑरा और हेलो बोलने के चक्कर में या तो हेलो हो रहा है या तो उधर एरो हो रहा है।
लाइक देयर रिस्पेक्टिव शैडोज. ये स्पष्ट महत्वपूर्ण बात यदि समझ में आ गई तो आगे सब कुछ समझ में आएगा. या तो किसी का ऑरा होगा या तो किसी का हेलो होगा, आभा मंडल होगा या प्रभा मंडल होगा, दोनों नहीं हो सकता है. क्यों? या आगे बाबा ने बताया है, लाइक देयर रिस्पेक्टिव शैडोज एवरी मैन वुमन चाइल्ड एंड बेबी हैज एन ऑरा, बट ओनली अ वेरी फ्यू इंडिविजुअल्स have a halo on the varying phases of its development and fewer still possesses a full halo. यहाँ पर बाबा कहते हैं कि अपनी अपनी परछाइयों की तरह, हर एक की अपनी परछाई होती है ना. धूप में खड़े रहेंगे या लाइट में रोशनी में खड़े रहेंगे तो हमारी एक परछाइयाँ होती है. छोटा बच्चा होगा उसकी जो बच्चा जैसा है उसकी वैसी परछाई, पुरुष है तो पुरुष की परछाई, महिला है तो महिला की परछाई, हर एक की अपनी परछाई होती है. हर अपनी अपनी परछाइयों की तरह हर पुरुष, महिला, बच्चे और शिशु के पास एक आभा होती है. ये एक महत्वपूर्ण बात हमें बाबा यहाँ बता रहे हैं. जैसे हमारी परछाई होती है ऐसे हर एक की आभा होती है. अब वो कहाँ क्यों होती है, कैसे होती है, कहाँ से बनती है, ये बाबा आगे बता रहे. लेकिन बाबा कहते हैं केवल बहुत कम व्यक्तियों के पास इसके विकास के विभिन्न चरणों में एक प्रभा होती है. सबके पास तो ऑरा होता ही है, आभा सबके पास होती है, लेकिन हेलो जो है बहुत कम लोगों के पास होता है. और अभी भी बट ओनली अ वेरी फ्यू इंडिविजुअल्स हैव अ हेलो इन ऑन द वेरिंग फेजेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट्स एंड फ्यूअर स्टिल पजेस अ फुल हेलो. और अभी भी बहुत बहुत कम लोगों के पास, कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनका पूर्ण प्रभा मंडल विकसित है, जिनके पास प्रभा मंडल अथवा हेलो होता है, ऐसे बहुत बहुत कम लोग होते हैं. एंड ऑरा इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द इमोशंस ऑफ एन इंडिविजुअल माइंड जस्ट एज एनी फिजिकल थिंग पजेसेस इट्स शैडो ऑन द फिजिकल प्लेन. इस भौतिक दुनिया में, स्थूल जगत में, जिस तरह से प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक भौतिक चीज की चीज जिस तरह अपनी परछाई धारण करता है, जिसकी हर एक की भौतिक चीज की परछाई होती है, उसी प्रकार जो आभा मंडल है ये हर एक व्यक्ति के मन की परछाई होती है. सॉरी नॉट परछाई, प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब होता है. वापस पढ़ते हैं, आभा मंडल व्यक्तिगत मन की भावनाओं का प्रतिबिंब है. जैसे कोई भी भौतिक वस्तु भौतिक स्तर पर अपनी छाया रखती है, जैसे हमारी सबकी अपनी छाया होती है इस भौतिक दुनिया में, स्थूल जगत में, इसी तरह से हर एक के मन का है भावनाओं का प्रतिबिंब. मन का प्रतिबिंब नहीं, मन की भावनाओं का प्रतिबिंब मतलब ओरा होता है या आभा मंडल होता है. अब बात समझ में आई, ओरा क्या होता है? हमारे मन में जैसी भावनाएं होगी उस तरह का आभा मंडल हर एक का होगा. यही संक्षिप्त में इस तालिका में सामने दिया है, पर हम तालिका को बाद में देखेंगे क्योंकि ऐसे ही तालिका पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर नहीं होगा. पहले हम बाबा की बात सुन लेते हैं जो स्पष्ट है. इसमें स्पष्ट करने का, एक्सप्लेन करने का, नैरेट करने का कोई जरूरत नहीं. इतना सीधे शब्दों में बाबा ने पूरा बताते गए हैं. तो हर एक के मन की भावनाओं का प्रतिबिंब, जिसकी पायस पवित्र भावनाएं होगी उसका आभा मंडल कितना अच्छा होगा. मन में जिस प्रकार की इच्छा वासनाएं भावनाएं है उस प्रकार से उस व्यक्ति का आभा मंडल होगा. इन संक्षेप में, द हेलो बिगिंस टू अपीयर
when the aura begins to disappear. Simple. बाबा ने पहले बताया कि हेलो और ऑरा साथ में नहीं होता है, आभा मंडल प्रभा मंडल साथ साथ नहीं होता है। जब आभा मंडल गायब होने जाएगा, लुप्त हो जाएगा, लुप्त होने की कगार पर होगा, लुप्त जैसे जैसे आभा मंडल लुप्त होता जाएगा वैसे वैसे प्रभा मंडल अथवा तेजो मंडल निकलने लगेगा या आकार लेने लगेगा, हम कह सकते हैं। मतलब तेजो मंडल या प्रभा मंडल तभी होगा जब आभा मंडल नहीं होगा। इसका दूसरा अर्थ क्या है, दूसरे शब्दों में कोई बताएगा? हमने अभी देखा आभा क्या है, मन की भावनाओं का प्रतिबिंब है। तो हेलो प्रभा मंडल है, तेजो मंडल है। यदि तेजो मंडल आना है तो आभा मंडल को जाना पड़ेगा। इसका अर्थ जब मन जाएगा, मन की भावनाएं इच्छाएं वासनाएं जाएगी, मन की भावनाएं मन जाएगा, मन का जैसे जैसे कम होता जाएगा प्रभाव, मन का जैसे जैसे नाश होता जाएगा वैसे वैसे तेजो मंडल उभर कर आएगा। मतलब हम समझ सकते हैं कि जैसे जैसे कोई आध्यात्मिक पथ पर जाएगा, भूमिकाओं में जाएगा, जैसे सातवीं भूमिका में मन का नाश हुआ है, संस्कार नहीं है, तो वहां आभा मंडल होगा ही नहीं, वहां क्या होगा, प्रभा मंडल होगा, तेजो मंडल होगा, हेलो होगा। ठीक है, एकदम सिंपल क्लियर है। तो बाबा ने जब आभा लुप्त होने लगती है तो प्रभा मंडल प्रकट होने लगता है। अब इतना कहने के बाद आगे की सारी बात अपने आप समझ में आ जाएगी। द डिफरेंस बिटवीन एन ऑरा द मेंटल रिफ्लेक्शन एंड एनी फिजिकल शैडो इज ट्रेमेंडस। बाबा आगे कहते हैं किसी की भी परछाई और किसी का आभा मंडल में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। शैडो डिपेंड अपॉन देयर फिजिकल फॉर्म्स। छाया किस पर निर्भर होती है, भौतिक रूप पर निर्भर होती है। बट एन इंडिविजुअल ऑरा रिमेन्स अनअफेक्टेड। ये महत्वपूर्ण बात है। भौतिक शरीर भले बदलेगा, रूप बदलेगा, शरीर का शरीर स्त्री का होगा, पुरुष का होगा, क्योंकि यहाँ पशु वगैरह नहीं आते हैं, क्योंकि वहां मन नहीं है। ये बात भी अपने आप आपकी समझ में आएगी। पशु की परछाई होगी लेकिन आभा नहीं होगी, क्योंकि मनुष्य जगत तक मन पिक्चर में आता नहीं। मन भावनाएं पिक्चर में कब आती है, मनुष्य योनि में। तो मनुष्य योनि में भले एक व्यक्ति का शरीर बदलेगा, मतलब वो मृत होगा दूसरा शरीर लेगा, कोई छोटा बच्चा होगा, किशोर होगा, जवान होगा, बूढ़ा होगा, स्त्री होगी, पुरुष होगा, काला होगा, गोरा होगा, शरीर बदलेगा, पर तो शरीर जैसा बदलेगा वैसे परछाई बदलेगी, परंतु उसका जो व्यक्तिगत आभा मंडल है वो अप्रभावित रहता है। बट एन इंडिविजुअल ऑरा रिमेन्स अनअफेक्टेड इवन व्हेन द पर्सन कंसर्न ड्रॉप हिज फिजिकल बॉडी। यहां तक कि वो अपना भौतिक शरीर छोड़ देने के पश्चात भी उसका आभा मंडल बदलता नहीं। अब ये बात आपकी समझ में आई गई होगी, कैसे? क्योंकि मृत्यु के पश्चात स्थूल शरीर छूट जाता है परंतु मन मरता है नहीं। ये सभी संस्कार किसमें एकत्रित होते हैं, मन में। तो मन तो वैसा ही रहता है, और आभा क्या है, मन के भावनाओं का प्रतिबिंब है, तो आभा मंडल वैसा ही रहता है भले उसकी मृत्यु हो जाए। ये बात महत्वपूर्ण है, शायद कभी दिमाग में आई नहीं होगी, कभी सोचा नहीं होगा, या जो कोई ऐसा फिजिकल ऐसा तत्वज्ञान विषय फिलोसॉफिकल पढ़ते हैं उनके उनको पता होगा। बिकॉज इन स्पाइट ऑफ डेथ द इंडिविजुअल कंटिन्यूस टू पजेस बोथ ए माइंड एंड द इम्प्रेशंस इन इट। मृत्यु के पश्चात भी व्यक्ति का मन और मन में एकत्रित हुए संकलित हुए संस्कार तो रहते ही है, एज वेल एज ए सटल बॉडी, साथ में सूक्ष्म शरीर भी रहता है। सूक्ष्म शरीर कभी मरता नहीं है, विच हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन विथ इट्स ऑरा, और इन सब का उसके आभा मंडल पे सीधा संपर्क होता है। इसलिए मृत्यु के पश्चात भी
रूप बदलने के पश्चात भी आभा मंडल बदलता नहीं, क्योंकि मन में संकलित जो है भावनाएं संस्कार, इनका प्रतिबिंब मतलब ये आभा मंडल होता है। अब यहाँ आप सामने देख रहे हैं द ऑरा एंड द हेलो, ये मेहर बाबा ने दी हुई तालिका है। तो इसमें पहला जो कॉलम आप देख रहे हैं इंडिविजुअल व्यक्तिगत, कौन सी व्यक्ति है और उसकी भूमिका कौन सी है, मतलब कौन सी व्यक्ति कौन सी भूमिका पर है, तो उसका क्या होगा, ऑरा होगा या हेलो होगा, वो किस प्रकार का उसका नेचर मतलब प्रकृति प्रकार, इसके ऑरा की या इसके हेलो की किस प्रकार की प्रकृति होगी, कौन सी व्यक्ति किस भूमिका पर है, इसके ऊपर उसके किस प्रकार का ऑरा होगा या इसका किस प्रकार का हेलो होगा, ये निर्भर है। अब पहला ही दिया है ऑर्डिनरी सामान्य, आपको पढ़ने में आ रहा है यदि इस अच्छा थैंक यू, अभी थोड़ा और बड़ा किया है। यदि आप इस तालिका को भी नहीं कोई पढ़ पा रहा है तो ग्रुप में इसको डाला है, द पाथ ऑफ लव ग्रुप में, मीडिया में जाके देखेंगे तो तुरंत ये मिल जाएगा, उसको देख सकते हैं। इसमें पहला है ऑर्डिनरी सामान्य व्यक्ति, उसकी कौन से जगत में है, वो स्थूल जगत में, ग्रॉस स्थूल जगत में है, तो इसका किस प्रकार के होगा, फॉल्स इल्यूजन, किस प्रकार के इसकी प्रकृति होगी, इस मिथ्या भ्रम में वो है, मिथ्या जगत में ये जी रहा है। अब दूसरा प्रकार है एडवांस्ड विकसित, थोड़ा सा विकसित है, मतलब आध्यात्मिक पथ पर चलना इस सामान्य व्यक्ति ने शुरू किया है, तो इसके किस प्रकार का इसकी भूमिका होगी, फर्स्ट सटल सूक्ष्म जगत में पहली भूमिका में यदि कोई व्यक्ति है तो इसकी कैसा प्रकार होगा, बिगिनिंग ऑफ रियल इल्यूजन, रियल इल्यूजन ये महत्वपूर्ण शब्द है, फॉल्स इल्यूजन मतलब ये मिथ्या जगत संसार हम जिसमें जी रहे हैं, रियल इल्यूजन मतलब सत्यता की ओर वो जा रहा है, लेकिन कौन ले जा रहा है, भूमिका, तो भूमिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका बजाती है ईश्वर से मिलन कराने में, ईश्वर साक्षात्कार दिलाने में, फिर भी वो है तो ये भौतिक जगत के इल्यूजन में ही है। बाबा कहते हैं ये सारी भूमिका भी और ये सारे अनुभव भी अंततः वास्तव में एक भ्रम ही है, परंतु वो भ्रम कैसा है, जब तक हमें सत्य की प्राप्ति नहीं होती है तब तक के लिए वह यूजफुल है। तो ये बिगिनिंग ऑफ रियल इल्यूजन, जो असली वास्तविक भ्रम है इसकी शुरुआत है, इससे आगे मोर एडवांस और अधिक विकसित व्यक्ति होगी, दूसरी भूमिका की व्यक्ति होगी, सूक्ष्म जगत में दूसरी भूमिका की व्यक्ति होगी, तो वो क्या है, यहाँ उसकी रियल इल्यूजन की शुरुआत होती है, किस प्रकार का नेचर होता है, इसकी प्रकार किस प्रकार का होता है, तो असली भास, क्योंकि वो और अधिक प्रगत हो जाता है, उसे और अधिक बातें समझ में आती है, मोस्ट एडवांस, इसके आगे और चौथा प्रकार है अधिक प्रगत, वो तीसरी सूक्ष्म जगत में तीसरी भूमिका की व्यक्ति का थोड़ा उच्च प्रति का भास होगा, सत्य भासमय परंतु उच्च प्रति का। इसके आगे है डैंगलिंग मतलब झूलता हुआ, ये खतरा है ना, चौथी भूमिका में होगा ये, सटल एंड मेंटल मतलब चौथी भूमिका हमने देखा है कि सूक्ष्म जगत और मनोजगत का चौखट जैसा है, बहुत महत्वपूर्ण है चौखट का महत्व, जिस हम पार करके जाते हैं उसका महत्व, इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर हमने टिफिन लेक्चर में देखा था, बाबा ने एक एक्सपेरिमेंट भी वहाँ का किया था, ये सब गुरु लोगों का स्थान होता है ये बताया था। तो एनीवे, तो यहाँ पर जो झूलती हुई क्यों, क्योंकि स्थिर नहीं है, ऐसा क्यों, क्योंकि अपनी शक्तियों का यदि वो दुरुपयोग करता है तो नीचे पाषाण जगत तक वो नीचे गिर सकता है, इसलिए उसको डैंगलिंग कहा होगा। फोर्थ जंक्शन, ये क्या है, फोर्थ चौथी भूमिका है, परंतु वो कैसा है, कुछ अंश उसका स्थूल जगत का है और वो कुछ अंश मनोजगत में होता है, मन का अनुभव तो उसने किया नहीं होता है,
परंतु यहाँ रहकर मन उसके मन को समझता है, मन को वो देख सकता है कि कितना प्रचंड, कितना सर्वव्यापी मन है, और मन के सर्वव्यापिकत्व को देखकर वो झुंझला जाता है कि बात रह करके। तो ये इसलिए उसको झूलता डैंगलिंग कहा है। यहाँ कैसा होता है प्रकृति, उसका प्रकार डेंजरस। यहाँ रियल इल्यूजन, फॉल्स इल्यूजन, ये नहीं बाबा ने बताया, खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि मन की, मन जो है वो देख तो सकता है परंतु मन पर अभी तक उसने काबू नहीं पाया यार, इसीलिए। और उसके पास प्रचंड शक्ति होती है, तो ये मन उसको खिलौना बना सकता है अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए, उस पर दबाव डालता है, इसीलिए ये डेंजरस है, खतरनाक है, अत्यंत खतरनाक है। इसके आगे आया इल्यूमेन, इल्यूम ये क्या है, प्रकाशित हो गए, हो उठा, मतलब चौथी भूमिका यदि कोई पार कर जाता है साधक और पांचवी भूमिका में जाता है तो आध्यात्मिक दृष्टिया वह एकदम सेफ हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है, अब किसी तरह से वो नीचे नहीं गिर सकता है। यह इसीलिए यहाँ पर बाबा ने दिया है उसको कौन सा, मनोजगत में वो होता है, उसके मनोसंस्कार होते हैं पांचवी भूमिका में, वो मनोजगत में होता है। फिफ्थ प्लेन वाले का किस प्रकार से रहेगा, रियल इल्यूजन हाय, उच्च भास, उच्चतर भास, परंतु वो कैसा होगा, हायर होगा, सॉरी असली भास होगा, वास्तविक भास होगा, परंतु वो उच्च स्तर का होगा। इससे आगे जाते हैं छठवीं भूमिका, वो भी मनोजगत में है, वहां पर भी मनोसंस्कार है, वहां पर भी मेंटल मतलब मनोजगत में वो होगा। मोस्ट इल्यूम सो सर्वाधिक प्रकाशित हो वहां उठता है, सर्वाधिकता सर्वाधिक प्रकाशित हो होता है, किसका, किसका प्रकाश, सत्य का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, इसके संस्कार कम 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 होते होते अभी ना ही के बराबर रहते हैं छठवीं भूमिका में, फिर भी थोड़े बचे कुचे संस्कार दुर्बल रहते हैं, ना के बराबर होते हैं परंतु होते हैं, इतना वो यहाँ प्रकाशित तो हो उठता है सत्य के कारण। इसीलिए यहाँ रियल इल्यूजन लिखा है कि सत्य या वास्तविकता की, वास्तविकता का भ्रम, परंतु ये भ्रम क्यों, क्योंकि अभी भी वो भ्रम के जगत में है, ड्युअलिटी में है, द्वंद्व और के द्वैत के जगत में है, इसलिए इसके इल्यूजन कहा है, भास कहा है, परंतु वो सत्य क्यों, क्योंकि वो भूमिका पर है, ये हाईएस्ट है, उच्चतम है यहाँ पर, क्योंकि अब वो जानने लगता है मिथ्या जगत की मिथ्या बातें और सत्य जगत की सत्य बातें। इसके आगे आता है गॉड रियलाइज, ईश्वर साक्षात्कारित व्यक्ति, सातवीं भूमिका, जो कि बाबा कहते हैं हर व्यक्ति का अंतिम उद्दिष्ट होना चाहिए इसको। अब ये ना ही स्थूल जगत में रहेगा, ना ही मनोजगत में रहेगा, ना ही सूक्ष्म जगत में रहेगा, ये हकीकत में सत्य के जगत में रहेगा, वास्तविकता में जिएगा, रियलिटी में रहेगा। इसलिए बाबा ने यहाँ सेवंथ प्लेन, सातवीं भूमिका, रियलिटी दिया है, जो सत्य है, वास्तविकता है, हकीकत है। और सत्य क्या है कि मैं मतलब ये शरीर नहीं तो मैं ईश्वर हूं, इस सत्य को यहाँ पर वो अनुभव करता है, जानता नहीं, अनुभव करता है, एक्सपीरियंस रियलाइज करता है, उसको रियलाइज होता है कि मैं ईश्वर हूं, इसीलिए उसको गॉड रियलाइजेशन करते हैं, क्या कहते हैं, क्योंकि वो इस ईश्वरत्व का, अपने अंदर के ईश्वरत्व का, अपने रियल आई को, स्वयं आई को जानने अनुभवता है, इसके लिए उसको रियलाइज होता है कि मैं ईश्वर हूं, इसीलिए इसको ईश्वर साक्षात का हकीकत है, जो सत्य है, ये असली हकीकत है, ये भास नहीं है। इसलिए इसका स्वरूप कैसा होगा, इसकी प्रकृति या इसका प्रकार कैसा होगा, रियल असली होगा, यहाँ भास खत्म, इल्यूजन खत्म, यहाँ कोई भ्रम नहीं, भास नहीं, तो असलियत में वो जीता है, और असलियत यही है कि वो ईश्वर है, हम सब ईश्वर है, पर हम उस असलियत को अनुभव नहीं करते, ये सातवीं भूमिका वाला अनुभव करता है। और उसके पश्चात है परफेक्ट मास्टर,
अर्थात पूर्ण पुरुष सदगुरु है ना, परफेक्ट मास्टर। हम सब जानते हैं कि ईश्वर साक्षात्कार मिलने के पश्चात जो व्यक्ति इस विश्व का और अपने शरीर का भान वापस लाकर दूसरों की सहायता करता है, वो हो गई सातवीं भूमिका के आगे भूमिका बकाबिला उसके आगे। तो यहाँ पर वो संपूर्ण असलियत में जीता है, उसको इस मिथ्या जगत के भी सभी सीक्रेट्स पता होते हैं, और जो असली जगत है, ईश्वरत्व है, दिव्यत्व है, आध्यात्मिकता के भी सभी सीक्रेट्स उसको पता होते हैं। ये है परफेक्शन। बाबा कहते हैं सातवीं भूमिका अर्थात ईश्वर साक्षात्कार ये अंतिम उद्दिष्ट है, परंतु पूर्णत्व नहीं है। सदगुरु पद पाना ये पूर्णत्व है, क्योंकि वहां आप पीछे आके दूसरों की सहायता करते हैं। इसलिए यहाँ प्लेन में बाबा ने दिया है सेवेंथ परफेक्शन, मतलब रियलिटी प्लस वन एंड ऑल प्लेन्स। एक ही समय में वो सभी भूमिकाओं को जानता है, सभी विश्व को, तीनों जगत का वो स्वामी होता है। तीनों जगत स्थूल सूक्ष्म मनोजगत सब कुछ वो देखता है, पर सबसे परे होता है। वहां उसके संस्कार खत्म हो जाते हैं, विज्ञानी संस्कारों पर वो काम करता है, इसलिए वहां उसका प्रकृति रियल होता है। अब इस तालिका को पढ़ने के पश्चात हम आगे जाएंगे पेज नंबर 73। किसी के पास यदि किताब है तो वो किताब में 73 नंबर पर जा सकते हैं। अब 73 नंबर का पेज हम शुरू करेंगे। एवरी एक्शन सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट, intentional or unintentional on the part of any person creates relative impressions, sanskaras, which gets imprinted on the mind of the individual. आगे भी sentence है, पहले यहाँ तक हम खत्म करते हैं इसको। अब बाबा यहाँ ये कह रहे हैं कि हमारी प्रत्येक क्रिया वो महत्वपूर्ण हो या बिना महत्व की हो, जानबूझकर सोचे समझे की हो, अनजाने में अनइंटेंशनली किए हो, हर व्यक्ति की प्रत्येक क्रिया वो संस्कार निर्माण करती है। वैसे संस्कार जैसी क्रिया होगी रिलेटिव, जैसी क्रिया होगी संस्कार वैसे होगी, अच्छी क्रिया होगी संस्कार अच्छे होंगे। Which gets imprinted on the mind of the individual. अब ये संस्कार हर एक उस व्यक्ति के मन पर छपे जाते हैं। Just as sound is, कैसे होता है ये बाबा समझा रहे हैं। हम जो भी कार्य करते हैं, क्रिया करते हैं, इससे संस्कार निर्माण होते हैं और वो हमारे मन पर छपे जाते हैं, मन में संकलित होते हैं। कैसे? Just बाबा आगे उदाहरण इसको बता रहे हैं। Just as sound is preserved on a gramophone record and images of light and shade are caught on photographic plates, jis tarah se gramophone record mein sabhi aawazein surakshit rehti ki jati hai, hai na, gramophone record pehle hua karti thi, ye kuch is tarah se purani aapne dekhi hogi, ye is tarah ki gramophone record rehti thi, kafi badi hua karti thi। तो पहले गाने इसी में बजते थे, वो एक पिन रहती थी और वो मोटर रहता था, इसके आधार पर वो मशीन पर ये रिकॉर्डिंग चलती रहती। तो ये क्या है, इसमें सब गाने या साउंड जो है प्रिजर्व होता है, सुरक्षित रहता है। और फोटोग्राफिक जो प्लेट्स रहती है, उस जमाने के बाबा उदाहरण दे रहे हैं। अब तो शास्त्र बहुत आगे चला गया, अब ये ग्रामोफोन रिकॉर्ड, यहाँ तक टेप रिकॉर्डर की जो वो रहती थी फीत, टेप रिकॉर्डर, VCR, ये कुछ भी नहीं। अब तो किस में आता है, सब कुछ मोबाइल में आ जाता है, छोटी सी चिप में आज सब कुछ संकलित हो जाता है। तो तभी के उदाहरण बाबा दे रहे, तब फोटो कैसे हो जाते थे, तो रील होती थी, निगेटिव्स होती थी, ऐसे एक रील होती थी, तो जो फोटोग्राफी प्लेट वो डाला करते थे। तो जिस प्रकार से बाबा कहते हैं प्रतिमाएँ जो है, प्रकाश और छाया की प्रतिमाएं, ये फोटोग्राफिक प्लेट पर पकड़ी जाती है, एकत्रित की जाती है। ठीक इसी प्रकार हम जो भी क्रिया करते हैं, चाहे वो
सोच समझकर जानबूझकर हो, अनजाने में हो, अनइंटेंशनल हो, महत्वपूर्ण हो, बिना महत्व की हर क्रिया के संस्कार निर्माण होते हैं और वो हमारे मन में संकलित होते जाते हैं। As thought is the first direct medium of expression on of an impression, ही बाबा यहाँ कहते हैं विचार जो है वो इम्प्रेशन में संस्कारों का पहला माध्यम होता है एक्सप्रेस करने का, व्यक्त करने का, संस्कारों को व्यक्त करने का विचार ये पहला माध्यम है। A deep connection is established between the thoughts and impressions of a man, of an individual. इसी कारण किसी भी व्यक्ति के विचार और संस्कारों में एक गहरा संबंध प्रस्थापित होता है। किसी भी व्यक्ति के विचार और संस्कारों में एक गहरा संबंध प्रस्थापित होता है क्योंकि विचार ही संस्कारों का व्यक्त होने का पहला माध्यम है। महत्वपूर्ण बात है। हमने ये भी टिफिन लेक्चर में जाना था कि जिस प्रकार के विचार होंगे उस प्रकार के संस्कार होंगे और जिस प्रकार के संस्कार होंगे या क्रिया होगी उस प्रकार से उस संस्कारों का रंग होगा। आप लोगों को याद है, किसी को भी इस बात को, जिसको याद है वो ये हाथ ऊपर उठाए, मतलब यहाँ अंगूठा ऊपर होता है। हमने टिफिन लेक्चर में पूरा लेक्चर किया था कि केवल हमारे मन में जो विचार आते हैं वो विचार करके ही यदि रहते, विचार के स्वरूप में ही रहते हैं तो वो बहुत थैंक यू धुंधले होते हैं। हैंड रेज मतलब वहां पर नहीं, यहाँ पर यह है ना, थैंक यू संतोषी वर्मा जी, वो अंगूठा दिखाते ना यहाँ पीला वाला तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं कितना आगे एक्सप्लेन करूं या रुक जाओ। अगर कोई हैंड रेज नहीं तो मुझे पूरा बताना पड़ेगा। थैंक यू है प्रसाद जी, थैंक यू, आभारी हूं, बढ़िया। तो जिस प्रकार से अगर कोई चीज के हमें विचार ही रहते हैं तो विचारों के संस्कार बहुत धुंधले होते हैं और ये संस्कार नष्ट करने में आसान होते हैं। यदि वो विचार कृति में आते हैं, जैसा कि बाबा कहते हैं कि मन में विचार आते हैं आने दो, वो स्वाभाविक है, पर उनके ऊपर अमल मत करो। अब बाबा ने थैंक यू ऐसा क्यों कहा, अमल नहीं करो, क्योंकि अमल करेंगे तो वो कृति में आएंगे और कृति में आएंगे तो वो संस्कार गहरे बन जाते हैं, तो उनका रंग बदल जाता है, उनका गहरापन बदल जाता है और उनको निपटाने में, उनको नष्ट करने में मुश्किल हो जाती है। अब ये संस्कार अच्छे प्रकार के हो गए तो इसका रंग भी अलग होता है, चाहे दैवी संस्कार है, जैसा हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब आध्यात्मिक बातें हैं, तो इसका रंग नीले रंग का होगा। यदि मायावी दुनिया की लालच और क्रोध और वासनाएं, ऐसे संस्कार हो, इस प्रकार के विचार हो गए तो उसका रंग गड़द होता है और वो कृति में लाएंगे तो एकदम लाल रंग के होते हैं, जो कि निपटाने के लिए, नष्ट करने के लिए बहुत कठिन होते हैं। ये सब उस लेक्चर में बाबा ने बताया था। तो जैसे संस्कार हो गए, जिस प्रकार के विचार हो गए, जिस प्रकार की कृति होगी, उस प्रकार के उस संस्कारों का इसका रंग होगा। अब मैं थोड़ा यहाँ पर थैंक यू तो यहाँ प्रेजेंट समथिंग एल्स, ओके समथिंग एल्स ये है, ये अच्छा है, मतलब मुझे स्टॉप और रीस्टार्ट नहीं, ये तालिका बदल देते हैं, नहीं ये तो सही नहीं है, एक मिनट, हाँ ओके Mm-hmm.
इसका परसेंटेज यहाँ पर बाबा ने समझाया है, तो लेक्चर बाबा ने जो समझाया है उसको पहले समझ लेते हैं, इसके पश्चात इसको देखेंगे। आगे बाबा कहते हैं, An aura, therefore, is the mental reflection of the aggregate impressions of thoughts and actions. इसलिए हमारे मन में जो विचार है, हमारी जो कृतियां हैं, इनका एक कुल मिला के सकल जो मानसिक प्रतिबिंब होता है वो ओरा होता है या आभामंडल होता है, गैदर्ड बाय एंड स्टोर्ड इन एन इंडिविजुअल माइंड। ये जो संस्कार है ये हर एक व्यक्ति के मन ने इकट्ठे किए होते हैं और मन में ही ये स्टोर होते हैं, संकलित होते हैं। एज लॉन्ग एज इंप्रेशंस आर देयर एंड ऑरा इज ऑलवेज देयर, जब तक संस्कार है ऑरा होगा ही होगा। एज एन एनवेलप ऑफ सटल एटमॉस्फेयर कंप्राइज्ड ऑफ सेवन कलर्स व्हिच रिमेन मोर और लेस प्रोमिनेंट according to the nature of each individual's impressions, हर एक व्यक्ति के जिस प्रकार के संस्कार रहेंगे इस प्रकार से वो ऑरा या तो गहरा होगा, फीका होगा, जिस प्रकार का उसका नेचर है, उसकी प्रकृति है या प्रकार है, जैसे कि अभी हमने देखा, इस प्रकार से वो रहेगा। और ये स्थूल सूक्ष्म जगत में एनवलप of subtle as atmosphere, तो जब तक संस्कार रहते हैं तब तक एक सूक्ष्म वातावरण के एक आवरण के रूप में, सूक्ष्म वातावरण में एक आवरण के रूप में एक आभा मंडल हमेशा वहां रहता है, जिसमें कि सात रंग शामिल होते हैं। और ये रंग उस हर एक व्यक्ति के संस्कारों की जो प्रकृति है, जिस प्रकार के संस्कार है उनके अनुसार ये रंग कम ज्यादा होंगे, प्रमुख रहेंगे। जैसे कि हमने वहां देखा था कि बाबा ने कहा कि ईश्वर का रंग नीला रंग है, तो एकदम अच्छे तरीके के संस्कार हो गए, केवल मन में विचार करके यदि वो रह जाएंगे, शब्दों द्वारा या कृति द्वारा व्यक्त नहीं होंगे तो बहुत हल्के होंगे और निपटाने में आसान हो जाएंगे। इस तरह से बाबा ने वहां पर पूरा समझाया था। इसी बात का जिक्र बाबा यहाँ अलग शब्दों में संक्षेप में दे रहे जी, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है जी, वीडियो नहीं आ रहा है अभी जी, कैमरा ऑन कर लीजिए। जय बाबा नीलम जी। जी कैमरा ऑन आ रहा है। ओके, शायद वहां रेंज आपके यहाँ जरा ये हो गई होगी, एक मिनट। हाँ अब ठीक है? नहीं आवाज ठीक आ रही है, आपकी फोटो नहीं आ रही है, कैमरा ऑफ है। नहीं कैमरा तो चालू है। अच्छा फोटो क्या रही है, बराबर आ रही है। अच्छा आ रही है, आ रही है। ओके ठीक है, यहाँ पे बारिश हो रही है ना इसलिए शायद नहीं आ रहा है। ठीक है। अच्छा श्वेतांबरी है क्या वहां पर? क्योंकि अगर यदि ऐसा होगा तो पता नहीं आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिकॉर्डिंग हो रहा है, बस आपकी फोटो नहीं आ रही है। ओके ओके, तो फोटो यहाँ तो मतलब वीडियो तो चल रहा है, रेंज का कारण होगा नीलम जी। जी जी आपके यहाँ रेंज शायद ये होगा, मैं पिन अप करती हूँ फिर भी अपने आप को। और माइसेल्फ ओके, पिन योरसेल्फ टू द स्क्रीन। ओके ये रेंज के कारण होगा शायद। जी आवाज आ रही है मधु? हाँ, आवाज ठीक आ रही है। ठीक है ओके। अच्छा वो आपने बोला तो मेरा ध्यान उसकी तरफ भी गया, प्रेजेंटेशन मोड में माइक ऑन था तो उसको बंद किया, वो ऑन रहता है तो रिकॉर्डिंग में गड़बड़ होती है। As long as the impressions are there, अच्छा ये हमने कर दिया कि जहां तक संस्कार रहेंगे तब तक आभा मंडल रहेगा जानने के बाद, और जिस प्रकार की हमारे कर्म रहेंगे उस प्रकार से आभा मंडल का रंग रहेगा।
No two men are alike in all the respects, and yet all have common physical features. कोई दो व्यक्ति एक समान नहीं होते, हम सब जानते हैं. फिर भी यदि भौतिक रूप से देखें, भौतिक उनके वैशिष्ट्य देखे देखो तो एक समान रहते हैं. दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, कान, नाक, सब, सर, ये जो भौतिक रूप है वो समान होता है, और उसके बावजूद दो व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं. सिमिलरली इसी प्रकार द एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल इम्प्रेशंस डिफर फ्रॉम वन अनदर. इसी प्रकार कुल मिला के एक व्यक्ति के संस्कार दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल भिन्न होते हैं, बोथ क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली, संख्यात्मक रूप से और गुणात्मक रूप से भी, क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली. येट एवरी ओरा इज कंप्राइज्ड ऑफ सेवन कलर्स. इस फिर भी अब देखो यहाँ बाबा समझा रहे, जैसे हर व्यक्ति का रूप जो भौतिक है समान होता है, फिर भी एक व्यक्ति दूसरे जैसा नहीं होता है, इतना भिन्नत्व ओरा में भी होता है. हर एक का ओरा भिन्न होगा क्योंकि हर एक के कर्म और संस्कार भिन्न है. इसके बावजूद जो मूलभूत सात कलर है वो हर एक ओरा में साथ ही रहेंगे, बस उसका कॉम्बिनेशन भिन्न रहेगा. किसका नीला अधिक है, किसका लाल अधिक है, पीला, हरा, जो भी है, जिस प्रकार की प्रकृति है, उसके संस्कारों की, उसके क्रिया के प्रकार से वो ओरा उसका हर एक का भिन्न होगा. ये लेकिन सात कलर सब में ओरा में कॉमन रहेंगे. सेवन कलर्स कॉमन टू ऑल. दिस सेवन कलर्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स ओरा रिप्रेजेंट द सेवन प्रिंसिपल कैटेगरीज corresponding to the aggregate impressions of each individual. Ye saat color jo hai, the seven colors of an individual's aura represent har ek vyakti ke aura ke aabha mandal ke jo saat color hai, wo jo mukhya saat category hai, prakar hai, usko darshate hai, jo उस व्यक्ति के, उस पर्टिकुलर विशिष्ट व्यक्ति के एज एन इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पर जो उसके कुल मिला के संस्कार है उनको वो दर्शाते हैं. दस एवरी इंडिविजुअल ऑरा इज एन इमेज ऑफ ए सर्कल ऑफ सेवन कलर्स. इस प्रकार से हर एक प्रत्येक व्यक्ति की आभा सात रंगों के एक चक्र की छवि है. तो आभा क्या है अब हम समझ गए, मन के भावनाओं का प्रतिबिंब, और उसमें सात कलर है, जिस प्रकार के संस्कार हो गए उस प्रकार के ये सात रंगों का कॉम्बिनेशन होगा, और ये सात रंगों के चक्र की छवि मतलब उस व्यक्ति की आभा मंडल है. ठीक है. Each aura differs from the others in its proportion of each of the seven colors according to the individual's predominant impressions. प्रत्येक आभा व्यक्ति के प्रमुख प्रभावों के अनुसार सात रंगों में से प्रत्येक के प्रपोर्शन अनुपात में दूसरों से भिन्न होती है. हर एक के आभा मंडल दूसरे से भिन्न होगी. कलर सात मुख्य बेसिक फंडामेंटल वही रहेंगे, पर उन रंगों का जो कॉम्बिनेशन है कम ज्यादा में, ये हर एक का अलग होगा. लाइकवाइज ईच ओरा आल्सो डिफर्स इन द कलर फॉर्मेशन ऑन द बॉर्डर्स बिटवीन एवरी टू प्रोमिनेंट कलर्स इन इट. इसी तरह प्रत्येक आभा भी उसके प्रत्येक दो प्रमुख रंगों के बीच की सीमाओं पर रंग निर्माण में भिन्न होती है. इसका कॉम्बिनेशन, उसका कॉम्बिनेशन, जैसे हमने देखा. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए बाबा बता रहे हैं, रेड वुड बी द मोस्ट प्रोमिनेंट कलर इन द ओरा ऑफ अ मैन हूज इम्प्रेशंस आर प्रीडोमिनेंटली मेड अप ऑफ लस्टफुल एक्शंस. उदाहरण के लिए बाबा कह रहे, जिस व्यक्ति के संस्कार मुख्य रूप से वासना भरे रहेंगे, वासना पूर्ण कार्यों से बने होते हैं, उस व्यक्ति की आभा में
लाल रंग सबसे प्रमुख रंग होगा। हमने पहले भी देखा टिफिन लेक्चर में सारा दिया है कि यदि वासनाएं लालसाएं वासना ऐसा सब रहेगा विचार तो उसका रंग कैसा होता है, वो कृति में आएंगे तो एकदम लाल रंग गर्द डार्क लाल रंग के होते हैं, जो कि निपटाने में इसे संस्कार नष्ट करने में बहुत अधिक मुश्किल होते हैं। The halo begins to develop and an aura begins to disappear only after an individual starts advancing on the path to God realization. जब कभी कोई व्यक्ति जब आध्यात्मिक पथ पर ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक पथ पर निकल पड़ेगी तब धीरे 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 क्या होगा, उसकी आभा मंडल लुप्त होती जाएगी और उसका प्रभा मंडल निकलने लगेगा, है ना। हेलो बिगिंस टू डेवलप मतलब प्रभा मंडल विकसित होते जाएगा जब ऑरा बिगिंस टू डिसअपीयर, जब आभा मंडल लुप्त होता जाएगा गायब होता जाएगा। अब आभा क्या है, मन के भावनाओं का प्रतिबिंब है। जैसे जैसे मन का नाश होता जाएगा, मन की भावनाएं कम होती जाएगी, वासनाएं लालसाएं कम होती जाएगी, वैसे वैसे आभा मंडल फीका होता जाएगा, उसके रंग अब यह तालिका में हम पढ़ेंगे कम होते जाएंगे, धीरे धीरे आभा मंडल गायब हो जाएगा, तब प्रभा मंडल वहां आता जाएगा विकसित होता जाएगा। थैंक यू। व्हेन द ऑरा बिगिंस टू गेट मोर एंड मोर फेंट द हेलो कमेंसेस टू शाइन मोर एंड मोर getting brighter in proportion to the progress of the individual's consciousness on the path. जब आभा अधिक से अधिक आभा मंडल धुंधला होता जाएगा वैसे वैसे प्रभा मंडल अधिक अधिक चमकने लगता है। पथ पर व्यक्ति की चेतना की प्रगति के अनुपात में प्रभा मंडल उज्जवल होता जाता है। जैसे जैसे वो आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ता जाएगा भूमिकाएं प्रगत होता जाएगा, वैसे वैसे उसका हेलो जो है तेजो मंडल है अधिकाधिक चमकीला होता जाएगा। द हेलो बिकम्स वेरी ब्राइट ओनली आफ्टर एन इंडिविजुअल ओरा इज ऑन द पॉइंट ऑफ डिसअपीयर। जिस क्षण जब जिस पॉइंट पर आभा मंडल पूरा गायब होने की कगार पर होगा तब उसका प्रभा मंडल एकदम तेजस्वी होगा। दिस हैपन्स इन द केस ऑफ अ सोल हु वेक्स अप फुल्ली कॉन्शियस इन द सिक्स प्लेन ऑफ कंप्लीट मेंटल इल्यूमिनेशन। यह उस आत्मा के मामले में उस साधक के मामले में होता है जो पूर्ण मानसिक स्तर जो मनोभूमि का छठवां स्तर जो है वो छठवें स्तर में वह मन का स्वामी होता है तो मन एकदम रोशन हो उठता है तो पूर्ण मानसिक रोशनी के छठे स्तर पर पूरी तरह से जो साधक जागृत होकर सचेत होकर जागृत होगा। सचेत क्यों, कॉन्शियस होगा। किस चीज के कॉन्शियसनेस, ईश्वर के प्रति उसकी जो कॉन्शियसनेस है चेतना है उस छठवें स्तर तक इतनी प्रगल्भ हो जाती है परिपक्व हो जाती है। विकसित तो मनुष्य में है पर विकसित चेतना उत्क्रांत होते होते प्रगत होते इतनी वो प्रकाशित हो उठती है जगमगा जाती है वहां उसे हर चीज में हर व्यक्ति में हर जगह कण कण में ईश्वर दिखाई देता है। इसलिए बाबा ने यह कहा है कि मानसिक रोशनी से जगमगा उठेगा वो जागृत हो जाएगा वो ईश्वरत्व के बारे ईश्वर की मौजूदगी के बारे में एकदम सचेत हो जाता है तब उसका आभा मंडल पूरे रूप से गायब हो जाता है और उसका तेजो वलय झगमगा उठता है रोशन हो जाता है। इन द सेवेंथ प्लेन ऑफ रियलिटी द गॉड रियलाइज्ड वन इज वंस एंड फॉर ऑल entirely free from each and every impression because the very storehouse of impression itself, the individual mind, is then
annihilated and there remains neither aura nor halo. सातवी भूमिका कि जहां पर ये सारे संस्कारों का गोडाउन जो है मन ये गायब हो जाता है, तब वहां ना ही आभा मंडल रहता है ना ही प्रभा मंडल होता है। वास्तविकता मतलब सत्य मतलब ईश्वरत्व रियल एग्जिस्टेंस, उस सत्य के मतलब आध्यात्मिक पथ के सातवें स्तर में ईश्वर प्राप्त व्यक्ति जिसे ईश्वर का अनुभव हुआ है, रियल सेल्फ स्वयं का असली मैपन जो अनुभव करता है और एक बार एक और सभी के लिए प्रत्येक संस्कार से पूरी तरह से मुक्त होता है। यहाँ कोई भी संस्कार बचता नहीं, नॉट ए सिंगल। मन गायब होता है, मनोनाश बहुत महत्वपूर्ण है। मनोनाश पर्व अब हर जगह हमें समझ में आता है कि बाबा ने कैसा और क्यों मनोनाश पर्व जिया और कितना महत्व है उसका। तो जब उसके मन का नाश होता है, वही मन जो संस्कारों के कारण निर्माण हुआ है, वही मन जिसमें संस्कार संकलित होते हैं, वही मन जो इच्छाओं के द्वारा जीता रहता है, वो मन नष्ट होने के पश्चात ना वहां आभा मंडल रहता है ना ही वहां प्रभा मंडल होता है। Neither or not. The reality of God alone remains supreme in the self-consciousness of infinite power, infinite knowledge, and infinite bliss. With all illusion ceasing to remain as illusion. अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद की वो आत्मचेतन अवस्था है। आत्मचेतन क्यों? वो ईश्वर कहीं बाहर से लाना नहीं, आना नहीं, पाना नहीं है, वो स्वयं ईश्वर है। पर अब वो ईश्वरत्व को जान चुका, अनुभव चुका, अनुभव करता है कि मैं ही ईश्वर हूँ। इसके लिए उसको आत्मचेतना शब्द बाबा ने दिया है कि ऐसे आत्मचेतना में ईश्वर की वास्तविकता जो सत्य है वही सर्वोच्च बनी, वास्तविकता सर्वोच्च सच बनी रहती है। ये ईश्वरत्व मैं ईश्वर हूँ ये वास्तविकता, ये सत्य वो अनुभव करता है और तभी उसके सभी भ्रम भ्रम बनकर रह जाते हैं। अब उसे वो कोई भी भ्रम नहीं, ना उसे झूठा भ्रम ना असली भ्रम, कोई भी भ्रम नहीं रहता है। जो हमने देखा पहली तालिका में वो सब भ्रमों के पार हो जाता है, वहां केवल कोई भी भ्रम का वो अनुभव नहीं करता है, भास का अनुभव नहीं करता है। सातवीं भूमिका में वो केवल सत्य का अनुभव करता है। When one who is God realized is able to return with his God consciousness simultaneously to all the planes of illusion as a perfect master or Sadguru, his halo is then most bright, infinitely brighter than all the suns of the universe put together. देखो कितनी बड़ी बात है। बाबा यहाँ कहते हैं जब कोई ईश्वर साक्षात्कारी व्यक्ति या ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति या वह व्यक्ति जिसे गॉड रियलाइजेशन मिला है, ऐसी व्यक्ति अपनी ईश्वरीय चेतना या दैवी चेतना के साथ एक पूर्ण गुरु परफेक्ट मास्टर या सदगुरु के रूप में भ्रम के सभी स्तरों पर लौटने में सक्षम होता है। कब होता है? जब वो अपने स्वयं का भान लाता है, इस सृष्टि का भान लाता है, साथ में तीनों जगत। अब तीनों जगत कौन से है? स्थूल सूक्ष्म मनो, सभी जगतों का वो ज्ञान वापस भान लाता है, कॉन्शियसनेस वापस लाता है, वो लाने में सक्षम होता है। ये बहुत सफरिंग वाली बात है, बहुत पीड़ाजनक है। तो उसका प्रभा मंडल, जो व्यक्ति इस तरह से ईश्वर साक्षात्कारी होकर फिर अपना और सृष्टि का भान वापस लाता है, तब उसका प्रभा मंडल सबसे उज्जवल होता है, अधिकाधिक उज्जवल होता है। इतना उज्जवल, इतना उसका हेलो जो है, प्रभा मंडल जो है, तेजो वाले, इतना चमकीला, चमकीला शब्द भी ठीक रहे, इतना प्रकाशित हो उठता है कि ब्रह्मांड में जितने भी सूर्य है,
ब्रह्मांड के सभी सूर्यों की तुलना में असीम रूप से उज्जवल, अमर्यादित रूप से उज्जवल होता है। अब आप पूछोगे सूर्य एक ही है, सभी सूरज क्यों कहा? हम क्रिएशन एंड कॉजेस में पढ़ चुके, सूरज एक नहीं है, सात सूरज बाबा ने समझाया है और लालटेन के माध्यम के उदाहरण से कि सात सूरज कैसे हैं। तो बाबा कहते और ये सूरज प्रकाश कहाँ का पाता है? प्रकाश गोल जो है मूल, उस प्रकाश गोल से सूरज प्रकाश पाता है। और इसीलिए शायद सूरज की पूजा कई लोग करते हैं, क्योंकि वो सीधे प्रकाश मंडल से तेज ऊर्जा और प्रकाश पाता है और फिर वो पृथ्वी को परावर्तित करता है। ये सब उस लेक्चर में बहुत सुंदर रीता दिया है। खैर, तो ऐसे सारे जो सूरज है उनके तेज से ही तेजस्वी सदगुरु का तेजो मंडल या प्रभा मंडल होता है। इट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन फॉर एनी वन एक्सेप्ट दोज हु हैव अटेन्ड द कॉन्शियसनेस ऑफ द सिक्स्थ प्लेन टू बीहोल्ड द डिवाइन एफ्लुजेंस ऑफ द मास्टर सेलो। बाबा कहते हैं ये मास्टर पूर्ण पुरुष सदगुरु के तेजो मंडल को समझना सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। केवल छठवीं भूमिका में जो है वो इस दैवी तेजस्विता को झेल सकते हैं, बाकी लोग नहीं। यह किसी के लिए भी प्रश्न से बाहर है। हम लोग इसे सामान्य लोग समझ सकते नहीं या उसे झेल नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, सिवाय वो लोग की जो छठे स्तर की चेतना जिन्होंने प्राप्त कर ली है। इन ऑल अदर केसेस द हेलो इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल एडवांसमेंट ऑन द पाथ एंड अ साइन ऑफ द ड्विंडलिंग ऑफ द इंडिविजुअल संस्कारास और इम्प्रेशंस। इन सच केस द हेलो इज लाइक अ ग्रोइंग ब्राइट सर्कल ऑफ द मेंटल एटमोस्फियर of illumination, colorless throughout, and it, in every phase of its manifestation, far, far richer in spiritual splendor than any combination of colors can ever be. क्या उसका सौंदर्य होता है, स्प्लेंडर होता है कि अन्य सभी मामलों में। यहाँ कितनी सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। In all other cases, the halo is an expression of individual advancement on the path. और aura क्या है? Expression of in the emotions of the mind of an individual. व्यक्ति के मन की भावनाओं का प्रतिबिंब जो है वो आभा है। और व्यक्ति जो आध्यात्मिक पथ पर मार्गरत होकर प्रगत हो रहा है उसका व्यक्त होना प्रगटीकरण मतलब प्रभा मंडल है। अन्य सभी मामलों में प्रभा मंडल पथ पर व्यक्तिगत उन्नति की अभिव्यक्ति है। आध्यात्मिक पथ पर जैसा जैसा वो जाएगा वैसा वैसा उसका तेजो मंडल और तेजोमय होगा और जगमगा जाएगा। और व्यक्ति के और क्या है ये तेजो मंडल या प्रभा मंडल और क्या है? उस व्यक्ति के संस्कारों के घटने के अथवा संस्कार दुर्बल या क्षीण होने का संकेत है। उसका प्रभा मंडल तेजो मंडल और जगमगा रहा है, इसका मतलब उस व्यक्ति का आभा मंडल कम हो रहा है, इसका मतलब उसके संस्कार और क्षीण हो रहे हैं, इसका वो लक्षण है। ऐसे मामलों में प्रभा मंडल मानसिक वातावरण के बढ़ते उज्जवल चक्र की तरह है, रोशनी की पूरी तरह से रंगहीन। आभा मंडल सात रंगों से बना है, वहां प्रभा मंडल या तेजो मंडल रंगहीन है, कोई रंग नहीं। रंगहीन क्यों? क्योंकि वो संस्कार वहां नहीं है। संस्कार घटते जाएंगे और आभा मंडल रंगों से भरा क्यों है? क्योंकि वो संस्कारों के कारण है। हर संस्कार के अपने रंग है, इसीलिए आभा मंडल पूरा का बेस जो है वो सात रंगों का है, जहां की प्रभा मंडल में कोई रंग नहीं होता है।
वो केवल उज्जवल रोशनी का चक्र है। ऐसे रोशनी, ऐसे उज्जवलता, ऐसे जगमगाहट जो सात सूरज के तेजों से भी, सभी सूरज के तेजों से भी तेज है और फिर भी दाहक नहीं होती है, कूल सूदिंग होती है, बहुत सुंदर लगता है। और फिर भी अपनी अभिव्यक्ति के हर चरण में रंगों के किसी भी संयोजन की तुलना में आध्यात्मिक वैभव में कहीं अधिक समृद्ध है। विदाउट गोइंग इन टू फर्दर डिटेल्स, आगे बाबा कहते हैं, अब और अधिक तफसील में जाने के बदले, द टेबल दैट फॉलोज विल सिंप्लीफाई द सब्जेक्ट मैटर सो फार डिस्कस्ड। बाबा कहते हैं अब इस विषय में और विवरण देने के पहले आगे जो तालिका दी है वो इस विषय को और सादा कर देगी, सिंपल कर देगी अभी तक जो हमने डिस्कस किया है। विदाउट नेसेसरीली बीइंग, अब हम तालिका बाद में देखते हैं और यहाँ पर जो बाबा ने लेक्चर दिया है इसको पहले देख लेते हैं, सुंदर है वो पहले खत्म करके फिर इस तालिका को देखेंगे हम। Without necessarily being consciously advanced on the path and only as a result of deep and sublime emotions, latent or expressed, the aspirant may have from time to time glimpses of the reflections of inner sights, reverberations of the echoes of inner sounds, redolences of the inner fragrances and distant shades of the inner ecstasies, all of which are but trivialities connected with the higher illusions of the path. Itna sundar hai. Ab yahan Baba keh rahe hain, avashyak roop se aage sachet roop se path par आवश्यक रूप से नेसेसरी और सचेत कॉन्शियसली पथ पर आगे बढ़े बिना और केवल गहरी और उदात्त अव्यक्त या व्यक्त भावनाओं के परिणाम स्वरूप कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति अभी आध्यात्मिक पथ पर नहीं है परंतु उसकी भावनाएं गहरी है, उदात्त है। कैसे है वो, व्यक्त होगी या अव्यक्त होगी, इसके परिणाम स्वरूप भी कभी कभी साधक को समय समय पर झलक मिल सकती है। किसकी झलक? आंतरिक दृश्यों के प्रतिबिंब, इनर साइट्स, इमेजेस ऑफ इनर साइट्स, आंतरिक ध्वनियों की गूंज की प्रतिध्वनि। कितना सुंदर है ये शब्द, वापस पढ़ते हैं, द रिवर्बेशंस of the echoes of inner sounds, अंदर की आवाज जो है, inner sounds, इसके प्रतिध्वनि की गूंज, आंतरिक सुगंधों की लालिमा और आंतरिक परमानंद की दुर्गामी छटाएं, ये सभी पथ के उच्च भ्रमों से जुड़ी तुच्छताएं। बाबा कहते कभी कभी व्यक्ति पथ पर नहीं भी होगा, कभी उसको सुगंध सुनने आए, कभी कोई दृश्य दिखाई देगा, ये सब समय समय पर झलकियां क्यों दिखती है, उसके जो गहरे और उदात्त भाव है उनके उनके भावनाओं के परिणाम स्वरूप, भक्ति के भाव है, ईश्वर के प्रति प्रेम है, भक्ति भाव है, ईश्वर को देखने की लालसा है, ऐसे सब गहरी उसकी अच्छी भावनाओं के कारण ऐसे दृश्य कभी कभी उसको दिखाई देंगे, परंतु ये सब तुच्छ है। बाबा कहते हैं ये सब तुच्छ है, क्या शब्द बाबा ने, ऑल ऑफ विच आर बट ट्राइवलिटीज कनेक्टेड विद द हायर इल्यूजंस ऑफ द पथ। जो आध्यात्मिक पथ है, आध्यात्मिक मार्ग पर उच्च प्रकार का भ्रम जो अभी पहली तालिका में हमने देखा कि रियल है परंतु हमने देखा था कि फॉल्स है, रियल इल्यूजन है, फॉल्स इल्यूजन है। अब ऐसा भी एक देखा था कि रियल इल्यूजन परंतु उच्च प्रति का इल्यूजन, तो ऐसे सब जो दृश्य है ये हायर इल्यूजन, वास है,
वो भी भ्रम है परंतु उच्च प्रकार का भ्रम है, परंतु है आखिर भ्रम, और हमें तो भ्रम से बाहर निकलना है। दीज आर ऑल्सो मेनी टेक्निक्स एंड सॉरी देर आर ऑल्सो मेनी टेक्निक्स एंड नेचुरल कॉजेस फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ सच फिनोमेना। ऐसी घटना घटने के भी बाबा कहते हैं कई सारे तंत्र है और कई सारे स्वाभाविक कारण है इनके प्रगटीकरण के। इस प्रकार से जो ध्वनि सुनाई देती है, दृश्य दिखाई देते हैं, सुगंध सुनाई देते हैं, इसके भी कई कारण होते हैं जो स्वाभाविक कारण होते हैं। इसका भी एक तंत्र है ऐसी घटना घटने का, विच आर बियॉन्ड द फैकल्टीज ऑफ ऑर्डिनरी मैन। सामान्य मनुष्य की जो फैकल्टी है, जो लिमिटेड है, मर्यादित है, वो सामान्य मनुष्य की मर्यादा के समझ के बाहर वो है। वॉल्यूम्स कुड बी रिटन, इसके बारे में ग्रंथों लिख सकते हैं, स्पेशली रिगार्डिंग द पोटेंशियलिटीज एंड रिपरकशंस ऑफ इमोशंस बोथ हाई एंड लो। खास करके इस प्रकार की जो भावनाएं हैं, इस प्रकार की जो संभावनाएं हैं और जो कारण है, इसके जो परिणाम है, प्रभाव जो है, उदात्त भावनाओं के परिणाम और उनकी संभावना जो उच्च और नीच प्रकार की है, इसके बारे में बाबा कहते हैं कि ग्रंथों लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ड्यू टू लव फॉर हिज मास्टर अ मैन हैपन्स टू सी वॉट अपियर्स टू हिम एज द हेलो ऑफ द मास्टर, इट इज नॉट एक्चुअली द हेलो बट अ पार्ट ऑफ हिज ओन ओरा एज टेम्पररीली रिफ्लेक्टेड बाई द एफ्लुजेंस ऑफ दैट हेलो, वेदर दैट ऑफ एन illuminated one or perfect master। बाबा कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के मन में जो उदात्त भावनाएं उठती है, उच्च प्रति की भावना हो, नीच प्रति की भावना हो, उनके परिणाम क्या है, उनकी संभावना क्या है, उस प्रकार से क्या हो सकता है, किस प्रकार से ओरा हेलो या किस प्रकार से अनुभव हो सकता है, ये इसके बारे में ग्रंथों लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए बाबा कहते हैं यहाँ पर कि यदि कोई अपने गुरु के प्रति प्रेम के कारण, एक व्यक्ति, वो व्यक्ति जो गुरु का चेला है, प्रेमी है, उसको वह दिखाई देता है क्या कि जो उसे गुरु के प्रभाव मंडल के रूप में दिखाई देता है ना। आप लोगों को सभी कोई अनुभव कभी ना कभी आया होगा, चाहे घर में हो, चाहे समाधि का फोटो में हो, एकदम तेज दिख रहा है, सब जगह से हेलो होलो तेजो मंडल जैसा दिख रहा है, हिल भी रहा है, दिखाई देता है, दिखाई देगा होगा। तो बाबा कहते हैं जब किसी व्यक्ति को ऐसा तेजो मंडल या प्रभा मंडल दिखाई देता है तो वह वास्तव में प्रभा मंडल नहीं है, उस गुरी का तेजो मंडल नहीं है, लेकिन बल्कि उस व्यक्ति जो देख रही है उसके अपनी आभा का एक हिस्सा है जो प्रभावित हो उठी है, रिफ्लेक्शन है गुरु के हेलो का उसके आभा पर। यह वास्तव में प्रभा मंडल या तेजो मंडल नहीं है, बल्कि उसकी अपनी आभा का एक हिस्सा है या अपने आभा मंडल का एक हिस्सा है जो अस्थाई रूप से, स्थाई नहीं, परमानेंट नहीं है, आज है कल नहीं भी मिलेगा। अभी सवेरे की आरती में हाँ कितना अच्छा लग रहा है बाबा का रूप, और शाम को मैं देख जाते हैं प्रयास करते हैं तो शाम को कुछ नहीं मिलता है, मतलब वो अस्थाई है, स्थाई नहीं है। अस्थाई रूप से उस व्यक्ति के प्रभा मंडल अपनी आभा का एक हिस्सा है जो अस्थाई रूप से उसकी चमक से परिलक्षित होता है, जो ईश्वर के या गुरु की प्रभा मंडल है, उससे उस शिष्य का आभा मंडल चमक उठता है, उसका रिफ्लेक्शन उसमें पड़ता है, इसकी वजह से उसको वैसा दिखता है, वास्तव में वो गुरु का हेलो नहीं है।
वो तो इतना चमकीला होता है, कई सूर्यों का तेज उसमें होता है, हर कोई उसे देख नहीं देख सकता है, उसको देखने की हमें ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है। वास्तव में जो गुरु का, ईश्वर का, प्रियतम का तेजो मंडल है, उसे सामान्य व्यक्ति देख नहीं सकता है। पहले ही बाबा ने बोला केवल छठवीं भूमिका वाला उसको देख सकता है, वो भी लोग हमने कई बार देखा है, सुना है बाबा के चरित्र में, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, तो कृष्णा ना, जिसको बाबा ने आखिर करके मरते मरते बचा लिया था, जैसे कि कृष्णा ने देखा है, कृष्णा मतलब ये जो बाद में कुक था, डी हॉस्टल में कुकिंग का काम करता था, जो बाबा का शिष्य था, तीन में से एक जिसकी लंबी कहानी है, वो हो, या कभी इन लोगों ने बच्चों में स्कूल के देखे हो, या वालू ने, या इसमें एक बार देखा था बाबा को जब बाबा सेक्लूजन में था, तो ये प्रभा मंडल जो तेजो मंडल होता है उसे हम सामान्य व्यक्ति देख नहीं सकते। जो हमें दिखाई देता है कभी कभार थोड़ी देर के लिए, वो हमारे आभा पर उनकी एक प्रतिबिंब की चमक होती है, एक उसका क्षणिक या थोड़ा तात्कालिक वो रहता है। आई होप इट इज क्लियर। वापस पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ड्यू टू लव फॉर हिज मास्टर, अपने प्रियतम के प्रति जो उसके मन में प्रेम है, इसकी वजह से ए मैन हैपेंस टू सी व्हाट अपीयर्स टू हिम एज द हेलो ऑफ द मास्टर, इसकी वजह से वो व्यक्ति को लगता है ये कि प्रियतम का, मेरे मास्टर का प्रभा मंडल है। इट इज नॉट एक्चुअली द हेलो, वास्तव में वो तेजो मंडल, प्रभा मंडल उस प्रियतम का नहीं है, बट ए पार्ट ऑफ हिज ओन ऑरा एज टेम्पररीली रिफ्लेक्टेड, उसका खुद का ही आफा पर वो प्रतिबिंबित होता है, रिफ्लेक्टेड होता है बाय द एफ्लुजेंस ऑफ दैट ऑरा, सॉरी हेलो, वो तेजो मंडल की चमक के कारण इसका आभा मंडल परावर्तित प्रतिबिंबित होता है, उसी को वो देखता है, उसे लगता है कि उसका तेजो मंडल है। एन इल्यूजरी फिनोमिना, ग्रॉस सटल एंड मेंटल, आर नॉट ओनली ड्रीम स्टफ बट एवरीथिंग टर्म्ड इन द टेबल एज फॉल्स इल्यूजन is made up of dream into dream stuff which has no value at all. इसको ध्यान रखिए, जिज्ञासा के कारण हम समझ गए बहुत अच्छा है, फिर भी हम उसका आनंद लुफ्त बीच बीच में उठाएंगे वो और बात है। Unless it helps man to awaken to reality, जब तक ये सब हमें रियलिटी की तरफ, ईश्वरत्व की तरफ लेके नहीं जाता है, हमें अपने स्वयं के रियल आय को, असली स्वयं को पहचान में नहीं देता है, उसका अनुभव नहीं कराता है, तब तक इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है, कोई अहमियत नहीं। सभी भ्रामक घटनाएं, सब इल्यूजन है, भास है, भ्रम है, ये सभी भ्रामक घटनाएं स्थूल सूक्ष्म और मानसिक, न केवल स्वप्न सामग्री है, ये सारे ड्रीम है। क्यों? क्योंकि ये विश्व ही एक बहुत बड़ा ईश्वर का स्वप्न है, उसमें हम सब, ये ईश्वर ही हमारा रोल अदा कर रहा है, वो ईश्वर ही आप सबका, मेरा, तुम्हारा रोल अदा कर रहा है, और वो स्वप्न में ये दूसरा स्वप्न है, तो ये मिथ्या स्वप्न की सामग्री है, बल्कि तालिका में, इस टेबल में मिथ्या भ्रम के रूप में, जो मिथ्या भ्रम है, फॉल्स इल्यूजन है, कही गई हर चीज स्वप्न में स्वप्न सामग्री से बनी है। ये हमारी सृष्टि एक बहुत बड़ा स्वप्न है, उसमें हम जो जी रहे वो और एक स्वप्न है, और उसमें हम ये अनुभव है लो और आकते और एक स्वप्न है, स्वप्न में स्वप्न है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, जब तक कि वह मनुष्य को, ये सारी चीजें जब तक कि मनुष्य को वास्तविकता अथवा सत्य अथवा ईश्वर के प्रति जागृत होने में मदद नहीं करते, तब तक इसका कोई महत्व नहीं है। गॉड इज द ओनली रियलिटी, केवल ईश्वर ही सत्य है, वास्तविकता है, एंड ऑल एल्स इज इल्यूजन, बाकी सब केवल भ्रम है, भास है। द होल ऑफ द ग्रॉस यूनिवर्स इज बट पार्ट ऑफ द ह्यूज कॉस्मिक इल्यूजन कंटेनिंग हायर इल्यूजन्स ऑफ द स्पिरिचुअल प्लेन्स ऑफ मैन्स कॉन्शियसनेस। ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब भ्रम है।
संपूर्ण स्थूल ब्रह्मांड विशाल ब्रह्मांडीय ब्रह्म का हिस्सा है। मनुष्य की चेतना के आध्यात्मिक स्तरों के उच्चतर भ्रमों से युक्त ये सारी सृष्टि एक भाषा भ्रम है, और जो आध्यात्मिक पथ है ये भी इस भ्रम का एक भाग है। जो पथ है भूमिका है वो भी उच्चतर भ्रम है, परंतु भ्रम का ही भाग है। उसकी महत्व वहां तक ही है जहां तक कि हमें अपने असलियत की वो पहचान देता है। अब ये कुल मिला के बाबा ने कह दिया कि ये भ्रम है, ये भास है। आगे ये तालिका को अब हम पढ़ लेते हैं जो बाबा ने बोला कि और विवरण देने के पहले देने के अलावा, मतलब इंस्टेड ऑफ गिविंग और ज्यादा उसमें तफसील में जाने के बदले ये तालिका पढ़ो बाबा कह रहे। ये तालिका हम पढ़ते, दूसरी तालिका। मुझे उम्मीद है आप सब लोग इसको देख पा रहे हैं, नीलम जी देख पा रही है तभी तो वो रिकॉर्डिंग में अपीयर होगी। अभी ये तालिका नंबर पेज नंबर 73 पर है, यदि किताब से आप पढ़ रहे हो। इसके एक मेन जो हेडिंग है, तीन कॉलम है, मेन कॉलम। पहला है ऑरा ऑफ सात सेवन कलर्स, दूसरा है हेलो ऑफ लाइट प्रकाश का प्रभा मंडल या तेजो मंडल, और तीसरा है स्पिरिचुअल बेनिफिट, इससे आपको आध्यात्मिक क्या फायदा मिलता है। अब इसके नीचे सब कॉलम है। पहला सब कॉलम है नंबर ऑफ कलर्स मोर और लेस प्रोमिनेंट। इस ये किस प्रकार का ऑरा है, इसमें कितने रंग प्रोमिनेंट रहेंगे, नंबर ऑफ कलर्स ऑलमोस्ट फेंट। अब दूसरा कॉलम है कि कौन से रंग ऑलमोस्ट फीके रहेंगे, और तीसरा है मटेरियलिस्टिक इन्फ्लुएंस कि भौतिकता का प्रभाव कितना होगा, उस हिसाब से ऑरा में कौन से कलर मिलेंगे और उनकी प्रखरता कैसी होगी या फीकेपन कैसा होगा। आदि यदि कोई व्यक्ति पूरी तरह से भौतिकता में डूब चुका है तो उसके ऑरा में सातों कलर पाए जाएंगे, है ना, और उसमें फीकापन कुछ भी नहीं रहेगा, सारे गड़द होंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से भौतिकता में डूबा हुआ है, लिपटा हुआ है, उसको आध्यात्मिकता से भौतिकता अधिक महत्वपूर्ण लगती है। यहाँ भजन में जाने के बदले वो प्रिफर करेगा कि मैं पिक्चर देखूं, उसकी वासना, ये उदाहरण के लिए वासनाएं प्रबल होगी, इच्छाएं प्रबल होगी, इस प्रकार की जिसकी प्रकृति है भौतिक प्रकृति पूरी तरह से, उसका क्या होगा, उसके ओरा में सातों रंग पाए जाएंगे और वहां पर धुंधले रंग कुछ भी नहीं होंगे, क्योंकि प्रबल है भौतिकता, उसमें प्रबल है वासनाएं प्रबल है, तो वहां पर कुछ भी नहीं होगा। अब इसमें किस प्रकार का तेजो मंडल होगा, कुछ भी नहीं होगा। ऐसी व्यक्ति जो पूरी तरह से भौतिक जीवन जी रही है, स्थूल जगत के प्रभावित है, स्थूल जगत के माया से प्रभावित है, माया का जीवन पूरी तरह से एंजॉय कर रही है, उसमें प्रभा मंडल तो होगा ही नहीं। वहां फिर उसको सीधे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पिरिचुअल बेनिफिट, सीधे तौर से या अप्रत्यक्ष रूप से आध्यात्मिक फायदा उसका किस प्रकार से होगा, कुछ भी आध्यात्मिक फायदा नहीं मिलेगा उसका, ऐसा बाबा यहाँ कह रहे। किस हिसाब से कह रहे, प्रभा मंडल और आभा मंडल के हिसाब से कह रहे हैं। अब दूसरे प्रकार की व्यक्ति वो है जो 80% भौतिकता में डूबी है, माया में डूबी है, थोड़ा बहुत कभी कभार मंदिर जाती है, चाहे वो भौतिकता में प्रगति पाने के लिए, बिजनेस अच्छा चलने के लिए, घर बार अच्छा सुख वस्तु होने के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य अच्छे के लिए, चाहे जो भी इच्छाएं मन में लेकर कभी कभार मंदिर जाती है, ईश्वर को मानती है, थोड़ा बहुत पूछती है, उसके ओरा में 6 कलर पाए जाएंगे और वहां पर धुंधलापन जो है रंगों का, एक रंग होगा कि जो फीका होगा, और उसमें प्रभा मंडल धुंधला सा होगा, फेंट होगा तेजो मंडल उसका, और उसको
आध्यात्मिक फायदा डायरेक्टली किसका, इन डायरेक्ट तो कुछ भी नहीं मिलेगा आध्यात्मिक फायदा, क्योंकि ऐसा मंदिर जाना दो भौतिकता की प्राप्ति के लिए है, वो क्या देगा, केवल 5% आध्यात्मिक फायदा अप्रत्यक्ष रूप से उसको मिलेगा, जो 20% ईश्वर की खोज में लगा हुआ है। आगे आती है वो व्यक्ति जो भौतिकता में केवल 65% है, 65% वो माया में है, 35% वो आध्यात्मिकता में रत है, लीन है, आध्यात्मिकता में लिप्त है। ऐसी व्यक्ति के ओरा में केवल 5 रंग पाए जाएंगे। जो ज्यादा कामुक नहीं है, वासनायुक्त नहीं है, तो उसके वो रंग कम हो जाएंगे ना। तो ऐसे व्यक्ति के ओरा में 5 रंग पाए जाएंगे, और जो धुंधले रंग होंगे, जो फेंट होंगे मतलब वो प्रत्यक्ष कृति में नहीं आ रहे, केवल उसके विचारों में ही है, वो कृति में उनको उतार नहीं रहेगा, तो वो फेंट होंगे, वो डार्क नहीं होंगे। ऐसे कितने होंगे, मतलब विचारों में है, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, केवल विचारों में है, वो कृति में आई नहीं। किसी को ठोकने की इच्छा है तो वो गाली गलौज नहीं कर रहा है या मारा मारी नहीं कर रहा है, मतलब वो केवल विचार करके रह जाएगा तो फीका रहेगा। तो ऐसे रंग कितने हैं, 2 रंग फीके हैं। और उसका जो हेलो है, उसका प्रभा मंडल या तेजो मंडल डीम रहेगा, थोड़ा धुंधला से थोड़ा और चमकीला, पर अंधुक ही रहेगा, डीम रहेगा। डीम लाइट रहता है ना रात का, जो बेड सोते समय लगाते हैं, बेड लैंप बोलते हैं, वैसा डीम रहेगा। और उसको अप्रत्यक्ष आध्यात्मिक फायदा 7% मिलेगा, 7%। यहाँ प्रतिशत में, परसेंटेज में बाबा ने बात की है। आध्यात्मिक फायदा उसको कितना मिलेगा, डायरेक्टली तो उसको कुछ भी आध्यात्मिक फायदा नहीं मिलेगा। देखो कहने की बात है, 35% वो आध्यात्मिकता में है, परंतु फायदा कुछ नहीं मिलेगा, केवल 7% उसको इनडायरेक्ट फायदा आध्यात्मिकता में मिलेगा। आगे है वो व्यक्ति जो सांसारिकता, भौतिकता अथवा मटेरियलिस्टिक इन्फ्लुएंस, माया का प्रभाव उस पर, यहाँ महत्वपूर्ण शब्द इन्फ्लुएंस, प्रभाव, माया का भौतिकता का प्रभाव कितना है। ऐसा व्यक्ति जिसमें माया का प्रभाव 55% है, उसमें उसके ओरा में 4 कलर रहेंगे, 4 रंग रहेंगे, और 3 उसमें फीके रहेंगे। Whether it is aura or halo. Aura, आभा मंडल, किसके आभा मंडल में कितने रंग रहेंगे। हेलो में तो कोई रंग ही नहीं है सर, हेलो या तेजो मंडल या प्रभा मंडल बिल्कुल कलरहीन है, उसमें कलर है ही नहीं। जब संस्कार नहीं तो कलर की बात ही नहीं। गंगे सर पूछ रहे हैं, थैंक यू सर। अच्छा वो आपने पूछा, क्योंकि कई बार लोगों का मन में प्रश्न होता है पर पूछते नहीं है, और यहाँ तो लोगों के पास शायद किताब भी नहीं होगी। हम बात कर रहे हैं ओरा और हेलो। इसके ओरा जो होता है उसे जिसका हम आभा मंडल कहते हैं, वो सामान्य व्यक्ति का होता है, वो 7 रंगों से होता है। जो हेलो होता है वो जो व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर है, प्रगत है, उसका हेलो होता है, उसमें कोई रंग नहीं होता है, वो रंगहीन चमकीलापन है, उसमें रंग नहीं है। अब यहाँ सामने आपके जो तालिका बाबा ने दी है, आई एम सॉरी उसका हेडिंग शायद थोड़ा गया है, नहीं गया है तो थैंक यू नीलम जी ये पिक्चराइज करके भेजने के कारण। यस सर, आपको क्लियर है तो बाकी लोगों को भी होने दो, थैंक यू। तो ये बाबा ने तालिका दी है कि इसमें कौन से व्यक्ति के आभा मंडल या ओरा में कितने कलर हो गए, वो व्यक्ति भौतिकता में कितना लिप्त है, इसके ऊपर ये निर्भर है। कितने कलर गड़द होंगे, कितने रंग फीके होंगे, ये भी सॉरी
इसके ऊपर निर्भर है कि वो भौतिकता में कितना लिपटा हुआ है, माया का उस पर कितना प्रभाव है। जैसे हमने पहले ही देखा, ये रंग किस पर निर्भर होते हैं, हम जो कृति करते हैं इससे जो संस्कार निर्माण होते हैं, इन संस्कारों के ये रंग है। और आभा मंडल क्या है? संस्कारों का परिणाम आभा मंडल है, संस्कारों का प्रतिबिंब या मन की भावनाओं का प्रतिबिंब मतलब आभा मंडल है। मन की भावनाएं जिस तरह होगी उस तरह उसके आभा मंडल में रंग रहेंगे। कोई बहुत कामुक है, वासनापूर्ण है तो पूरा लाले लाल रहेगा, आभा मंडल उसका खराब रहेगा। कोई अच्छे प्रति के मन में भाव है, विचार है तो उसका आभा मंडल अच्छा रहेगा, उसमें फीके रंग अधिक रहेंगे, गड़द रंग कम रहेंगे। तो क्यों? क्योंकि वो मन का प्रतिबिंब है और मन में जिस प्रकार के संस्कार है उस प्रकार के संस्कारों के रंग है। ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से बाबा ने दिया नहीं है, परंतु टिफिन लेक्चर में बाबा ने किस प्रकार के संस्कारों के कैसे रंग होते हैं ये विशद किया है, इसलिए इसको समझने में थोड़ा आसान हो जाता है कि मन की भावना में विभिन्न होती है तो उस प्रकार से उसके रंग भी होते हैं। जो उसे संस्कार जैसी भावनाएं होगी वैसे संस्कार होंगे, वैसे संस्कारों के कारण वैसा रंग होगा। और इतना बताने के बाद आगे बाबा ये कहते हैं कि उस व्यक्ति का ये हमने देखा कि वो भौतिकता में कितना प्रभावित होगा, उसके कितने रंग गड़त हो गए, उसके आभा मंडल में कितने रंग हो गए, फीके रंग कितने हो गए, फिर उसका प्रभा मंडल होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कैसा होगा। क्योंकि बाबा ने कहा है कि जैसे आभा मंडल गायब होता जाएगा वैसा प्रभा मंडल उभरते जाएगा। तो जो भौतिकता में अधिक व्यस्त है, व्यक्त लिप्त है, उसका हेलो या तेजो मंडल बहुत फीका होगा, धुंधला होगा, ना के बराबर। अगर 45% वो करता है, 35% ईश्वरत्व या आध्यात्मिकता अपनाता है तो उसका कितना 7% मतलब कुछ भी नहीं, 100 में 7 हो जाता है उसको आध्यात्मिक फायदा, और एकदम दीन धुंधला सा होगा। तो उसका आभा एक व्यक्ति उस पर माया का प्रभाव कितना है उसके हिसाब से उसके आभा मंडल में कितने रंग हो गए, उसका प्रभा मंडल होगा कि नहीं, कितना तेज होगा, उसको फायदा आध्यात्मिक कितना मिलेगा, प्रत्यक्ष आध्यात्मिक फायदा कितना मिलेगा, आध्यात्मिक फायदा और प्रत्यक्ष रूप से कितना मिलेगा, इसकी यह तालिका है, इसको हम पढ़ रहे हैं। ये मेरी गलती है कि इसको पहले स्पष्ट रूप से स्पष्ट नहीं किया। अब हम आगे चलते हैं। हम देख रहे थे जो व्यक्ति माया से 55% प्रभावित है तो उसके ओरा में 4 रंग रहेंगे, 7 रंग नहीं रहेंगे, क्योंकि वो 45% आध्यात्मिकता में है और 3 रंग उसके फीके रहेंगे, 4 में से भी 3 रंग फीके रहेंगे और एक ही रंग गड़द रहेगा। ये सोचने वाली बात है, नोट टू बी नोट वर्दी और फेयरली इनफ ठीक ठाक रहेगा उसका क्योंकि आभा मंडल उसका कम होने लगा तो वहां उसका प्रभा मंडल तेजो मंडल उभर कर आने लगेगा, ठीक ठाक होगा, परंतु उसको आध्यात्मिक प्रत्यक्ष फायदा प्रत्यक्ष फायदा कुछ भी नहीं रहेगा, अप्रत्यक्ष फायदा उसको केवल 10% मिलेगा। अब इसके आगे है, वह व्यक्ति जो माया में 50% ही डूबा है, 50% ही माया में है, 50% वो आध्यात्मिकता में है, तो उसका आभा मंडल में केवल 2 रंग रहेंगे, मतलब एकदम ब्राइट रंग। कौन से रहेंगे? वेरी ब्राइट रेड एंड ब्लू। क्यों? ब्लू वहां है आध्यात्मिकता का, तो आध्यात्मिक उदत्त भावना और विचार, इसके कारण ये नीला रंग उसका बहुत ब्राइट रहेगा, तेजस्वी रहेगा आभा मंडल में। और लाल क्यों? क्योंकि खाने पीने की और कोई उसकी वासनाएं अभी भी चल रही है, इच्छाएं, इसके कारण उसके रेड रंग भी लाल भी रहेगा इच्छाएं वासनाओं के कारण। तो उसका आभा मंडल में देखने वाली बात है, अगर 50% भी वो माया में है और 50 भी आध्यात्मिकता में है तब भी उसके आभा मंडल में 2 ही रंग रहेंगे 7 में से,
पांच रंग जो है वो फीके रहेंगे, क्योंकि ये विचार ही रहेंगे, वो कृति में नहीं आएंगे। और इसका तेजो मंडल धीरे धीरे निकलने लगेगा, लेकिन वो अनस्टेडी रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा। जैसे वो माया में रहेगा, इसका तेजो मंडल नहीं रहेगा। जैसे वो ईश्वर में लीन रहेगा, इसका तेजो मंडल दिखाई देगा, इसलिए वो अनस्टेडी है। और उसको प्रत्यक्ष आध्यात्मिक फायदा कुछ भी नहीं मिलेगा, परंतु अप्रत्यक्ष आध्यात्मिक फायदा उसको 50% मिलेगा। देखो 10 में से एकदम जंप लेकर आध्यात्मिकता में वो 50% आ गया। बहुत इंटरेस्टिंग है ये चार्ट, देखते जाओ, वापस देखो, रिपीटेडली देखो, हम कहाँ फिट होते हैं जानने की कोशिश करो। आग्रह नहीं है, आग्रह धरना भी नहीं है, आफ्टर ऑल इट इज इल्यूजन, गिनती नहीं होती है, और प्रेम कैलकुलेटिव नहीं होता है, ये सब बाबा के शब्द है। इसके आगे चलते हैं, मतलब देखो 50% आध्यात्मिकता या 50% जो माया में है उसको प्रत्यक्ष आध्यात्मिक फायदा, वहां तक कुछ भी नहीं, नील है हर इसमें, 100 में नील है, 80% में नील है आध्यात्मिक फायदा डायरेक्ट ना, प्रत्यक्ष आध्यात्मिक फायदा 65 में नील है, 55 में नील है, 50 में भी नील है। अब चलते हैं उस व्यक्ति की तरफ, ऐसी व्यक्ति जो माया में 30% केवल लीन है, होता है, जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है जो भी कारण है, और 70% वो आध्यात्मिकता में है, ईश्वर में है, 30% केवल वो ये भौतिक दुनिया का प्रभाव उस पर है। ऐसे व्यक्ति के आभा मंडल या ओरा में केवल 3 रंग दिखाई देंगे। अब यहां सोचने वाली बात है, जो ऊपर हमने देखा वो 50% था, फिर भी उसके आभा मंडल में 2 ही रंग थे। अब यहां सोचने वाली बात है, ये आदमी भौतिकता में 30% है, फिर भी उसके ओरा में 3 रंग है, और उसके 4 रंग फीके रहेंगे। उसका तेजो मंडल या हेलो उसका ब्राइट रहेगा, तेजस्वी रहेगा, और उसको प्रत्यक्ष आध्यात्मिक फायदा 25% मिलेगा, और अप्रत्यक्ष आध्यात्मिक फायदा 25% मिलेगा। कुल मिला के 50% उसको आध्यात्मिक फायदा मिलेगा। आगे चलते हैं, ऐसी व्यक्ति जो जिस पर भौतिकता का, माया का प्रभाव, इन्फ्लुएंस 15% केवल 15% है, उसके ओरा में आभा मंडल में केवल 2 रंग रहेंगे। वो कैसे रहेंगे, बाबा ने उसको भी मेंशन किया है, नीला और गुलाबी। कौन सा? ब्लू एंड पिंक, नीला और गुलाबी, और उसके फीके रंग 5 रहेंगे। मतलब काफी सारे केवल विचार रह जाएंगे, वो कृति में लाएगा नहीं। इसका हेलो अर्थात तेजो मंडल या प्रभा मंडल वेरी ब्राइट, बहुत ब्राइट रहेगा उसका प्रभा मंडल या हेलो, डेफिनेटली ऐसी व्यक्ति जो पथ पर होगी, उसको आध्यात्मिक प्रत्यक्ष फायदा 50%, अप्रत्यक्ष 50% मिलेगा, 100%। देखो केवल 85% वो आध्यात्मिकता है, 15% वो भौतिकता में होने के बावजूद उसको आध्यात्मिक लाभ 100% मिलेगा। ऐसा क्यों? पॉइंट 1, एक तो वो आध्यात्मिक पथ पर होगा, दूसरी बात यह है कि जो 15% वो उस पर माया का प्रभाव है, वो उसके संस्कार वो वहां अनुभव करके खर्च कर रहा है, और उसके माध्यम से भी उसकी चेतना का, कॉन्शियसनेस का विकास हो रहा है, या प्रगल्भ हो रही है, या परिपक्व हो रही है, इसके कारण। मतलब इनडायरेक्ट दूसरा रोल जो है संस्कारों का, वहां संस्कार निभा रहे। क्यों? क्योंकि चेतना पूरी तरह से प्रगल्भ होने में वो सहायकारी हो रहा है, इसलिए 100% उसको आध्यात्मिक फायदा वहां पर दिखाई देता है। आगे ऐसा व्यक्ति है जिस पर माया का प्रभाव बिल्कुल नहीं, नील, 0। ऐसे व्यक्ति के ओरा में, आभा मंडल में कुछ भी रंग नहीं रहेंगे, और उसके फीके रंग भी नहीं रहेंगे, नील, 0, क्लीन बोर्ड,
क्यों? क्योंकि उसको कोई इच्छा है, वासना है, लालसा है, कुछ भी नहीं रहेगी। और कुछ भी इच्छाएं वासनाएं नहीं है, वो भौतिकता में है ही नहीं, तो फिर उसका रिफ्लेक्शन का सवाल ही नहीं आता है। फिर इसका हेलो भी निल है, हेलो भी तेजो मंडल भी निल है, और उसको इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष आध्यात्मिक फायदा 100% है, और प्रत्यक्ष आध्यात्मिक फायदा निल है। ये सोचने वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे से दूसरी लाइन देखिए, सब क्लीन बोर्ड है, सब निल निल है, और अप्रत्यक्ष आध्यात्मिक फायदा 100% केवल इसमें है, ना उसमें हो ऑरा है ना हेलो है। ऐसी व्यक्ति वह हो सकती है जो सातवीं भूमिका में, जिसके मन का नाश हुआ है, जिसके संस्कार पूरे खत्म है, और जिसने ईश्वरत्व का अनुभव किया है, जिसे गॉड रियलाइजेशन मिला है, परंतु जो सातवीं भूमिका की पहली स्थिति फना में है, वो केवल इस अवस्था को अनुभव कर सकता है। कोई संस्कार नहीं है। इसके आगे और लास्ट जो है, मटेरियलिस्टिक इन्फ्लुएंस फिर 100% दिया है, और इसके बावजूद उसके ऑरा में कोई रंग नहीं है, फीके रंग भी नील है, लेकिन उसका हेलो मोस्ट ब्राइट है। संपूर्ण प्रभा मंडल, तेजो मंडल, हेलो जो है, हेलो जो है उसका, वो परिपूर्ण है, मोस्ट ब्राइट, बहुत चमकीला है। आपको अंदाजा आ गया होगा ये कौन व्यक्ति है, जिसका आध्यात्मिक फायदा और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 100% है। ये सद्गुरु के अलावा कोई नहीं हो सकता है। क्यों? क्यों हम अनुमान लगा रहे हैं? क्योंकि जैसा कि बाबा ने आगे हमने पढ़ा है अभी स्पष्टीकरण में, वो 100% माया में कैसा? क्योंकि ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद जो स्वयं का भान और इस सृष्टि का भान वापस लाया, तीनों जगत में है, तो तीनों जगत का वो स्वामी है, परंतु उसमें उसके फिर भी ऑरा नहीं है, क्योंकि उसका संस्कार नहीं है, उसका मन का नाश हो गया। इसके कारण 100% इस संसार में रहकर भी उसका ऑरा नहीं है, उसका फीके संस्कार भी नहीं है, परंतु उसका हेलो जो है, तेजो मंडल उसका पूर्ण ब्राइट है, चमकीला है। तो यहाँ पर यह तालिका खत्म हो गई है, और आज हम यहाँ पर ये लेक्चर हमारा जो ऑरा एंड हेलो पेज नंबर 76 पर आज हम रुक जाते हैं। आगे अगले गुरुवार को एक दो चार और महत्वपूर्ण है, रियल बर्थ एंड रियल डेथ, असली मृत्यु क्या है, असली जन्म क्या है, फना की अवस्था क्या है, और ऑन द लिविंग डेड, जीता मृत्यु, जीता मृत क्या है, ऐसे सुंदर विषयों पर हम अगले गुरुवार को देखेंगे। आज यहाँ अभी हम रुक जाते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल, अवतार मेहर बाबा की जय। अब प्रार्थना मेरे ख्याल से संतोषी वर्मा को दी है, कि आरती दी है संतोषी वर्मा को। अच्छा, भरत यादव जी है क्या? भरत यादव, वंदना मिश्रा, कौन करना चाहेगा प्रार्थना? कभी चांस नहीं मिला ऐसा कोई है? जय बाबा। ओके, वंदना, जय बाबा। हाँ जी, बोलिए बोलिए, शुरू करें। जय बाबा, शुरू करें। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और ना तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो, और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है, तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो, तुम अपार हो, अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो, तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय
और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो, तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे भी हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो, तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनो और हृदयों के ज्ञाता हो, तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो, तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो, तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो, तुम भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं में ज्ञान हो, तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परहितकारी हो, तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो, तुम सत्य ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो, तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो, तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो, तुम प्रभु और परमेश्वर हो, तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी, परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहुर्मज़्द हो और प्रीतम ईश्वर हो, तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एक में वो पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित ना था और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित ना था, स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा दुष्ट प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा, यही हमारी आपसे प्रार्थना। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता करो कि हम तुमसे अधिकाधिक प्रेम करें और अधिक और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझमें मिलकर एक हो जाने के पात्र ना बन जाएं, और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, जय बाबा, अवतार मेहर बाबा की जय। बुझावे नार जहलतनी कर कुदरतन फरमातू, छेलागी आस भक्तों ने के बाग से नूर ही मातू, आया मुर्शिद मेरे बाबा चरण पर तुझ न धरिए सर खुदाना, जात थी बाके बख
खाई बैठो मेहरबा तू, तुझे मालिक हकीकत नो दुआ से बीने आरे पी, तुझे दरी याए वैदत मार फतनो होए तो फातू, हमोरे रवि ने ऐसा लेक वकस जे ज्ञाने जदनो के तू पर मातमा ज्ञानी जन मुख तारे रे पातू, खुदा ना प्रेम नो प्यालो पिलावी, मस्त हमने कल छे तुझे पर जान सदके सा किया पी दे पाए मातू, हमारी नाव भर दरिए तरावे तो हमें तरिए, हमारा ना खुदाए मेहर बाबा जनी गे बातू, हमारा ना खुदाए मेहर बाबा जनी गे बातू, बुझावे नार जलतनी कर कुदरत ने फरमातू, छलागी आस भक्तों ने की बक्से नूर ई मातू। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सबको जय बाबा। अपने अपने माइक जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय मेर बाबा, जय मेर बाबा, जय मेर बाबा। अरे तुम्हारा आप देर से हैंड रेस किया दिलीप नंदनवार बहू, आपको आज आरती दी थी, मैं भूल गई, आई एम सो सॉरी।